बस चंद फिक्रे मसाइल के पेश करने, क्योंकि ये जो मकाम है कयामत का मकाम है, इसलिए ये हमारी ज़ियारत की मकबूलियत की ज़मानत है। हमारे आंसू किसी भी जगह के ऊपर जाएं, अगर आपकी आंख से एक भी आंसू अगर निकल गया तो आपकी वो ज़ियारत मकबूल है। इससे पहले कि इस जगह के बारे में बयान करूँ, साहिब औलाद हज़रात अपने पहुँचे, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बड़े बच्चे हैं। आपने मसाइब करबला सुना है, जब करबला के मसाइब सुनते हैं तो उनमें एक फिक्र आप बार बार सुनते रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काफिले से गिर जाते थे और उन्हें उठाने नहीं दिया जाता। जब ये काफिला करबला से चला है कूफे और कूफे से चला है शाम, रास्ते में जितने बच्चे गिरते थे उनको उठाने नहीं दिया जाता था। वो बच्चे गिर के उसी जगह के ऊपर मर जाते थे, उसी जगह के ऊपर दम तोड़ते थे। अभी जिस जगह पर हम ज़ियारत के लिए आए हैं, शरीफा बिनत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक 5 साल की बेटी थी जो करबला के मैदान में मौजूद थी। जब ये काफिला करबला से कूफा गया है और जब कूफे से रवाना हुआ है शाम के लिए, तब रास्ते में इसी मकाम के ऊपर बीवी ऊँट से गिर गई हैं, लेकिन मलऊनों ने यह इजाज़त नहीं दी है कि बीवी को उठा लिया जाए। इस रवायत में अख्तलाफ है कि ये जनाब कासिम की सगी बहन थी या दूसरी माँ से थी, इस रवायत में अख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है, इनकी मज़ार बनाई गई है हिल्ला, इस जगह को हिल्ला कहते हैं, हिल्ला में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं जिनका नाम है शरीफा बिनत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अभी हम लोग यहाँ के ऊपर इनकी ज़ियारत अदा करेंगे। आप लोग अंदर जाएँ और दो रकात नमाज ज़ियारते जनाब शरीफा बिनत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से अदा करें, और उसके बाद इसी मकाम के ऊपर सब लोग दोबारा जमा हो जाए। अभी यहाँ पर हमारे पास टाइम जो हुआ है 5:25 हो गया है, तो 5:45 तक या 6 बजे तक के आप यहाँ पर हाज़िर हो गए। हम लोग ज़ियारत पढ़ते हैं इज्तिमाई तक, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत जनाब शरीफा बिनत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ मैं अपनी तरफ से और आप सबकी जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, اللهم اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، السلام على جدك محمد المصطفى، السلام على جدك علي المرتضى، السلام على جدك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على ابيك الحسن المصموم، السلام على أمك الحسين الشهيد المظلوم، السلام على أمك العباس بن أمير المؤمنين الذي يحيا بجهاده، الذين المبين وله درجة عند الله يتمناه جميع الشهداء والصديقين، السلام عليك أيتها العلوية الهاشمية، السلام عليك يا صاحبة الحمية، السلام عليك يا صاحبة الفضيلة العلمية، السلام عليك يا سيدتي يا شريفة بنت الإمام الحسن المجتبى، السلام عليك يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا قاضية الحاجات المكروبين، السلام عليك يا شفيعة المذنبين، السلام عليك يا من كراماتك أعجبت السامعين الناظرين، السلام عليك يا من عرجات المرضى مسرورين المعافين بإذن الله رب العالمين، السلام عليك يا صاحبة المنزلة الراقية والمكانة العالية، جئتك قاصدا حرمك الشريف متوسلا بك إلى الله لقضاء حاجاتي في الدنيا والآخرة،
يا شقيعتان عند الله وإلنا عند الله والسلام عليك يا سيدتي ومولاتي وعلى آبائك وعشرتك الطاهرين السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد Thank you.